दोस्तों, कहा जाता है कि अगर आपको अपने सपने सच करने हैं तो आपको उसकी कीमत चुकानी होती है और कभी कभी उसकी कीमत आपकी जान भी हो सकती है। आज की फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है। हमें शुरुआत में बताया जाता है कि वर्ष 1953 में एंडमन हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले पर्वतारोही बने। उसके अगले 40 सालों तक केवल एक्सपर्ट पर्वतारोहियों ने ही एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने की कोशिश की और प्रत्येक 4 में से एक पर्वतारोही की मृत्यु हो गई। उसके बाद अलग अलग कंपनियों ने एक बिजनेस के तौर पर पर्वतारोहियों को एवरेस्ट के शिखर पर ले जाना शुरू किया। 1992 में न्यूजीलैंड की रॉब हॉल ने पर्वतारोहियों को एवरेस्ट के शिखर पर ले जाना शुरू किया और उनकी कंपनी का नाम एडवेंचर कंसल्टेंट था। उनकी कंपनी ने 4 सालों में 19 लोगों को बिना किसी हादसे के एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचाया था। रॉब हॉल को देखकर स्कॉट फिशर की माउंटेन मैडनेस जैसी अन्य कंपनियां भी चलने लगी और उसी साल 2 हफ्तों के अंदर ही 20 से ज्यादा दलों ने एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ने की चुनौती स्वीकार की। अब फिल्म शुरू होती है और हमें दिखाया जाता है कि पर्वतारोहियों का एक दल 2000 वर्ग फीट ऊपर कैंप 4 पर रेस्ट कर रहा होता है। उनका लीडर टीम से कहता है कि ऊपर की ओर रस्सियां लगी हुई हैं और हम सभी रस्सी की मदद से ऊपर बढ़ेंगे, इसलिए सभी अपनी ऑक्सीजन ऑन कर लें और मास्क पहन लें। अब ये दल रस्सियों की मदद से ऊपर चढ़ता है। दरअसल कंपनियों ने अपने पर्वतारोहियों की सुविधा के लिए रस्सियां लगाई होती है, क्योंकि बिना रस्सी के एवरेस्ट पर चढ़ना असंभव होता है और ये पूरा दल एडवेंचर कंसल्टेंट का होता है जिसे रॉब हॉल लीड कर रहे होते हैं। बर्फ से पूरी तरह ढका हुआ एवरेस्ट बेहद खूबसूरत नजर आता है, पर जितना खूबसूरत होता है उससे ज्यादा मुश्किल होता है इस पर चढ़ना। कहानी फ्लैशबैक में जाती है और 6 हफ्ते पहले का समय दिखाया जाता है। ये जगह न्यूजीलैंड है जहाँ रॉब हॉल कुछ लोगों के साथ एवरेस्ट पर जाने की तैयारी करते दिखाई देते हैं। वे बताते हैं कि इस बार 20 टीमें एक साथ जा रही हैं। रॉब अपनी वाइफ से विदा लेता है। दरअसल उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, पर फिर भी रॉब को पर्वतारोहियों को ले जाना जरूरी होता है। वे दोनों एक दूसरे से विदा लेते हैं। अब हमें दिखाया जाता है सभी टीमें नेपाल के काठमांडू में पहुंच चुकी हैं और यहां बहुत भीड़ होती है और ये समय होता है 30 मार्च 1996। सभी एयरपोर्ट से होटल तक बस से जाते हैं। एक व्यक्ति जिसका नाम बैक होता है वो दूसरे व्यक्ति से मिलता है। उसका नाम डग है। डग एक पोस्टमैन है। पिछले साल उसने दक्षिण शिखर तक चढ़ाई की थी। एक गरीब आदमी होता है। होटल में रॉब अपने दल के सभी लोगों को एक दूसरे से मिलवाता है और उन्हें चढ़ाई चढ़ने के लिए मोटिवेट करता है, पर साथ में चढ़ाई में होने वाली कठिनाइयों और सामने आने वाली चुनौतियों को भी बताता है। रॉब सबको एक आदमी से मिलवाता है जिसने पिछली चढ़ाई में अपने पैर का अंगूठा खो दिया था। इसका नाम माइक होता है। साथ में कई ऐसे लोग भी होते हैं जो पहले भी एवरेस्ट की दूसरी कई चोटियों तक सफलतापूर्वक चढ़ चुके होते हैं। अब रॉब कहता है कि आज 30 मार्च है और हमारा लक्ष्य 10 मई तक एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने का है। अगले दिन सभी हेलीकॉप्टर से बेस कैंप तक जाने के लिए निकलते हैं और लुकला पहुंचते हैं, जो कि 9383 फीट की ऊंचाई पर होता है। वहां का नजारा बेहद खूबसूरत होता है। फिर सभी नामचा बाजार पहुंचते हैं। वहां टीम के सभी लोगों को क्लाइंबिंग परमिट चेक किया जाता है। अब सभी आगे बढ़ते हैं। बैक थकने लगता है, पर डग और अन्य साथी उसे हिम्मत देते हैं। दरअसल 1989 में एक बार पहले भी एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ने की कोशिश कर चुका होता है, पर वह असफल रहता है। पर इस बार वह शिखर तक पहुंचना ही चाहता है। धूप निकलती है और सभी रिलैक्स हो जाते हैं। तभी बैक डग से पूछता है कि वह पिछले साल कहां तक पहुंचा था। डग बताता है कि दक्षिण चोटी पर मेरी तबीयत खराब हो गई थी और मुझे वापस आना पड़ा। बैक कहता है कि मैं होता तो वापस नहीं आता। इस पर रॉब कहता है कि मैंने डग को वापस भेजा था क्योंकि हमारा काम सिर्फ शिखर पर पहुंचाना ही नहीं बल्कि वहां से सुरक्षित वापस आना भी है। रॉब थोड़े गुस्से में होता है कि बैक थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट है और रॉब नहीं चाहता कि वो ओवर कॉन्फिडेंस में कोई भी लापरवाही करे, क्योंकि पिछले साल रॉब का एक शेरपा तेजिंग सीढ़ी लगाते वक्त बर्फ के झंडे में गिर गया था। सभी टैंक पहुंच मत पहुंचते हैं जो कि 12,687 फीट की ऊंचाई पर होता है। वे सब वहां धर्मगुरुओं से मिलते हैं। अब सभी ठोकला में द क्लाइमर मेमोरियल पहुंचते हैं और भी 16,000 फीट की ऊंचाई पर होता है। बैक देखता है कि दूसरे दल के एक पर्वतारोही की तबीयत खराब हो गई है और उसे ऑक्सीजन मास्क लगाकर वापस लाया जा रहा है। अब सभी 17,600 फीट की ऊंचाई पर एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंच जाते हैं। वहां बहुत सारे देशों के कई लोग आए होते हैं। सभी कंपनियों का अपना अपना बेस कैंप होता है। रॉब सबको लेकर अपने एडवेंचर कंसल्टेंट के बेस कैंप जाता है। रॉब सबको बेस कैंप की मैनेजर हेलेन विंटन से मिलवाता है। विंटन सबको एंग दोरोजी से मिलवाती है और कहती है कि ये पहाड़ चढ़ने में आप सबकी मदद करेगा, ये आप सबका लीडर शेरपा है। वहाँ स्कॉट फिशर कंपनी का मैनेजर भी होता है। रॉब हॉल उसके पास जाकर बैठता है और दोनों बातें करते हैं। दरअसल स्कॉट फिशर ने ही इस बार दरारों पर रस्सियां लगाई होती है। रॉब से पूछता है कि तुमने रस्सियां मजबूती से तो बांधी है ना। अब सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि रॉब सबको कैरल मैकेंसी से मिलवाता है। ये टीम की डॉक्टर होती है। वो सबको बताती है कि हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए जो कि शिखर पर बहुत कम होती है, इसलिए शिखर तक पहुंचने से पहले
हमें अपने शरीर को इस वातावरण के हिसाब से ढालना होगा। रॉब सबसे कहता है कि आगे बहुत चुनौतियां हैं, इसलिए हमें एक टीम के रूप में आगे बढ़ना है, क्योंकि बीच में बहुत बड़ी बड़ी दरारें और उसमें गिरकर 19 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, इसलिए हमें एक दूसरे की हिफाजत करनी है। अगले दिन सुबह सभी लोग कैंप वन में पहुंचते हैं, जो कि 19,500 फीट की ऊंचाई पर होता है। ज्यादा ऊंचाई पर अक्सर पर्वतारोहियों को हाइपोथर्मिया की शिकायत होती है, ऐसा होने पर जुबान लड़खड़ा जाती है और बेवजह बहुत गुस्सा आता है। 8,000 मीटर की ऊंचाई पर हाइपोक्सी क्लाइमर होता है और इस क्लाइमेट पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और पर्वतारोहियों को बहुत गर्मी लगने लगती है और वे बौखला जाते हैं। दिमाग में इतनी सूजन आ जाती है कि दिमाग काम करना बंद कर देता है, फेफड़ों में पानी भर जाता है और पर्वतारोहियों की मौत हो जाती है। इससे बचने का एकमात्र उपाय ये है कि ऐसी स्थिति में फौरन नीचे आ जाना चाहिए, और ये सब पूरी जानकारी डॉक्टर के द्वारा टीम के बाकी लोगों को दी जाती है। 23 अप्रैल को सभी कैंप 2 पर पहुंच जाते हैं। ये 21,300 फीट की ऊंचाई पर होता है। यहाँ पर सभी आराम करते हैं क्योंकि वे सब पूरी तरह थके हुए थे। कुछ लोग ऑक्सीजन भी लेते हैं। रॉब देखता है कि डक की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, उससे कहता है कि उसे आज रात ऑक्सीजन मास्क पहनकर सोना चाहिए। रात को डॉक्टर कैरल डक की जांच करती है और उसे दवाई देती है। बैक की मैरिज एनिवर्सरी होती है पर वो अपनी वाइफ को विश करना भूल जाता है। वो दौड़कर कैंप में रॉब के पास जाता है ताकि फैक्स मशीन से अपनी वाइफ को एक फैक्स भेज सके, पर उसकी वाइफ पहले से ही उसे फैक्स कर चुकी होती है। अब बैक रॉब के सैटेलाइट फोन से अपनी वाइफ को कॉल करता है और उसे बातें करता है और उसे एनिवर्सरी विश करता है। अब सभी लोग टेंट के अंदर एंजॉय करते हैं और डांस करते हैं ताकि वे थोड़ा फ्रेश फील कर सकें। अब अगले दिन सुबह सभी फिर चढ़ाई शुरू करते हैं। साउथ अफ्रीका की टीम आगे चल रही होती है और रॉब और उसकी टीम साउथ अफ्रीका की टीम के निकलने का इंतजार कर रही होती है। तभी वहाँ माउंटेन मैडनेस कंपनी का मालिक स्कॉट आता है। रॉब उसे बताता है कि वो 45 मिनट से साउथ अफ्रीका की टीम के निकलने का वेट कर रहा है। साउथ अफ्रीका की टीम के पार होने के बाद रॉब अपनी टीम से आगे बढ़ने के लिए कहता है। सबसे आगे बैक सीढ़ियों पर चढ़ता है। नीचे बहुत गहरी दरार होती है जिसे देखकर बैक काफी घबरा जाता है और डर के कारण अनबैलेंस हो जाता है और गिर जाता है, पर सेफ्टी बेल्ट बंदी होने के कारण वो नीचे तो नहीं गिरता पर सीढ़ियों पर लटक जाता है। अब रॉब उसे बचाने जाता है, उसे बचाकर वापस ले आता है। अब रात होती है, सभी कैंप के अंदर बैठे होते हैं और रॉब सभी से कहता है कि हमें एक शेड्यूल बनाना चाहिए और टीम की तरह काम करना चाहिए ताकि आज जैसे बैक के साथ हुआ वैसा दोबारा ना। और उसकी बात सुनकर इयान और उसके दोस्तों को अच्छा नहीं लगता और वे लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब रॉब स्कॉट के पास जाता है और उसे कहता है कि हम दोनों को ही 10 मई तक शिखर तक पहुंचना है, तो क्यों ना हम मिलकर एक टीम बनाकर ऊपर चलें। इस पर स्कॉट कहता है कि हम दोनों के काम करने के तरीके अलग हैं, पर फिर भी वो उसकी बात मान जाता है। असल में रॉब एक शानदार इंसान है और वो नहीं चाहता किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो। अब सुबह रॉब एक मीटिंग बुलाता है जिसमें रॉब और उसके गाइड और स्कॉट और उसके गाइड होते हैं। वे ऑक्सीजन ऊपर ले जाने और अच्छे से रस्सियां कैसी बांधी जाए इस पर प्लान बनाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि सब रॉब को बधाई देते हैं क्योंकि उसे उसकी वाइफ जैन का टेलीग्राम मिलता है और उसमें उसने बताया होता है ये उसे एक बेटी होने वाली है। वहाँ सभी बहुत खुश होते हैं। अब सभी लोग कैंप में अपने अपने लक्ष्य बताते हैं कि वे आखिर शिखर पर क्यों चढ़ना चाहते हैं। वहाँ एक 47 साल की लेडी होती है, उसका नाम यासुको है। वो बताती है कि वो 7 में से 6 शिखर पर चढ़ाई कर चुकी है और अब 7वीं पर करना चाहती है। अब डक बताता है कि वो एक एलिमेंट्री स्कूल जाता है जहाँ के बच्चे पैसे देकर उसकी मदद करते हैं ताकि वो एवरेस्ट पर चढ़ाई कर सके। असल में डग एक पोस्टमैन है और उसके पास इतने ज्यादा पैसे नहीं होते, इसलिए वो बच्चों के सामने एक मिसाल बनना चाहता है कि आम गरीब लोग भी एवरेस्ट पर चढ़ाई कर सकते हैं। सुबह होती है और सभी लोग चढ़ाई करना शुरू करते हैं। सभी लोग कई कठिन जगहों को पार करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। वो सभी कैंप 2 में पहुंचते हैं। वहां से सभी रस्सियों के सहारे ऊपर आगे बढ़ते जाते हैं, पर तभी अचानक बर्फीला तूफान आ जाता है और बर्फ की एक चट्टान ऊपर से गिरती है और एक आदमी जिसका नाम हैरल होता है वो चट्टान की चपेट में आता है, पर रॉब उसे बचा लेता है। अब रॉब स्कॉट से बात करता है जो कि कैंप 1 में है और वो आज ही कैंप 2 से कैंप 1 में कुछ लोगों को लेने गया होता है और दूसरे ही दिन कैंप 2 पर जाना चाहता है। इस पर रॉब उसे समझाता है कि उसे अपनी बॉडी को कष्ट नहीं देना चाहिए और थोड़ा आराम भी करना चाहिए क्योंकि एक ही दिन में नीचे आना और फिर ऊपर आना बहुत मुश्किल होता है। कैंप की मैनेजर हेलेन रॉब को बताती है कि ऊपर मौसम बदल रहा है। तभी वहाँ डक की तबीयत बिगड़ने लगती है। दूसरे दिन सुबह मौसम साफ होता है, इसलिए सभी फिर चढ़ाई शुरू करते हैं। सभी कैंप 4 में पहुँचते हैं जो कि 26,085 फीट की ऊंचाई पर है। वहाँ मौसम फिर खराब होने लगता है। स्कॉट की टीम पहले से यहाँ होती है। रात होती है और तब तक स्कॉट भी अपनी टीम के पास आ जाता है और उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि 10 मई शुक्रवार की रात 12:30 बजे का समय होता है और रॉब इसी दिन अपनी टीम को शिखर पर पहुंचाना चाहता था। वो सभी को कैंप से बाहर बुलाता है और दिखाता है कि अभी मौसम साफ है
इसलिए हम सभी रात में ही आधे घंटे बाद चढ़ाई शुरू करेंगे ताकि दोपहर 2 बजे तक वापस लौट सके। सभी चढ़ाई शुरू करते हैं। रॉब की टीम सबसे आगे होती है जबकि साउथ अफ्रीकी टीम अभी नीचे कैंप 3 पर ही है। स्कॉट भी अपनी टीम को गाइड के साथ आगे भेज देता है और कहता है कि 1-2 घंटे आराम करने के बाद वह भी ऊपर आ जाएगा। सुबह 4:30 बजे सभी बालकनी पहुंचते हैं जो कि 27,600 फीट की ऊंचाई पर है। सभी बहुत थके होते हैं। रास्ते में बैग की तबीयत कुछ खराब हो जाती है। दरअसल कुछ समय पहले ही उसकी आंख का ऑपरेशन हुआ था और बर्फीली हवाओं के कारण उसे प्रॉब्लम होने लगती है। रॉब उससे कहता है कि मैं तुम्हें नीचे भेजने का अरेंजमेंट करता हूँ पर बैग नहीं मानता। बैग को देखने में प्रॉब्लम होने लगती है, उसे साफ साफ दिखाई नहीं देता। रॉब उससे कहता है कि उसे यहीं बैठकर आराम करना चाहिए और अगर आधे घंटे बाद उसे अच्छा लगे तो वह बाकी टीम के साथ शिखर पर आ जाए पर अगर उसे ठीक ना लगे तो वापस लौट जाए। ये कहकर रॉब आगे चला जाता है। स्क्वाड की टीम आगे होती है, वह दक्षिण पूर्व रिज पर पहुंचती है पर वहां आगे रस्सियां बंधी नहीं होती। हेरोल्ड रॉब को कॉन्टेक्ट करता है, उसे बताता है कि हिलेरी स्टेप तक जाने के लिए यहाँ कोई रस्सी नहीं बंधी है। अब हेरोल्ड, नील और टोनी रस्सियां बांधने लगते हैं। हेरोल्ड आगे बढ़ता है। वहीं रॉब की टीम के बैगी डग की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है और उसे उल्टियां आने लगती हैं। रॉब उसे हिम्मत देता है, सभी आगे बढ़ते हैं पर डग वहीं रुक जाता है। रॉब को रास्ते में जॉर्ज मिलता है, उसका ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो चुका है इसलिए वह वापस नीचे लौटने लगता है। हालात ऊपर बहुत भयानक होते जाते हैं। लौटते समय जॉर्ज को बैग मिलता है और कहता है कि हिलेरी स्टेप के नीचे भीड़ जमा हो गई है क्योंकि आगे रस्सियां नहीं बंधी है। वह बैग को भी वापस चलने के लिए कहता है और बैग मना कर देता है और कहता है कि मैं यहीं रॉब का इंतजार करूंगा। वहीं टोनी और नील रस्सियां बांध देते हैं। अब सभी आगे बढ़ने लगते हैं और दोपहर को 1 बजे स्कॉट की टीम और 2 बजे रॉब अपनी टीम के साथ शिखर पर पहुंच जाता है और सबको बधाई देता है और सबसे ज्यादा बधाई वो यास्को को देता है क्योंकि वह दुनिया की सबसे ऊंची 7 चढ़ाइयों में से 6 चढ़ चुकी होती है और ये आखिरी सबसे ऊंची 7वीं चढ़ाई भी उसने पार कर ली होती है और एक नया इतिहास बना दिया है। अब स्कॉट और रॉब दोनों की टीमें नीचे जाने लगती हैं। रॉब मैनेजर हेलेन को फोन कर बताता है कि वो शिखर तक पहुंच गए। ये सुनकर नीचे कैंप में सभी बहुत खुश होते हैं। वहीं दूसरी तरफ डग अकेले ही ऊपर आने लगता है कि वो तबीयत खराब होने की वजह से बीच में ही रुक गया था। रॉब अपने साथी के साथ अभी ऊपर ही होते हैं तभी स्कॉट भी शिखर पर पहुंच जाता है। रॉब उसे डग के बारे में पूछता है। स्कॉट बताता है कि डग अभी बहुत नीचे है। तीनों नीचे जाने लगते हैं। वापस आते समय रास्ते में उन्हें डग मिलता है। रॉब उससे कहता है कि अब हम नीचे लौट रहे हैं और उसे भी हमारे साथ लौटना चाहिए क्योंकि उसने ऊपर आने में काफी देर कर दी है। पर डग वापस नहीं लौटना चाहता। वो कहता है कि ये मेरा आखिरी मौका है और अगले साल वह नहीं आ पाएगा और वो ये मौका गंवाना नहीं चाहता। ये सुनकर रॉब डग को लेकर शिखर पर जाने लगता है। वो दोनों वापस शिखर की ओर चढ़ते हैं। वो दोनों अकेले ही होते हैं क्योंकि सब लौट चुके होते हैं। रॉब डग को लेकर वापस शिखर पर जा रहा है इसलिए वो स्कॉट और अपने दूसरे साथी से नीचे जाने के लिए कहता है। वहीं दूसरी ओर रास्ते में जॉन को बैग मिलता है। वो वहां बैठा होता है कि वो आगे नहीं जा पाता क्योंकि उसे देखने में प्रॉब्लम हो रही होती है, उसका शरीर जमने लगता है। जॉन बैग से कहता है कि पीछे यास्को और माइक आ रहे हैं, उनके साथ तुम भी नीचे आ जाना और इतना कहकर वो नीचे जाने लगता है। वहीं दोपहर 4 बजे रॉब डग को शिखर तक पहुंचा देता है। वो वहां तस्वीरें खींचते हैं। डग बहुत खुश होता है क्योंकि वो बहुत गरीब है और उसे पता है कि वह दोबारा यहां नहीं आ सकता था। तभी गाय बेस कैंप पर हेलेन को खबर देता है कि ऊपर पहाड़ों पर मौसम खराब होने वाला है और अभी तक हमारी टीमें नीचे नहीं पहुंची है। दरअसल प्लान के हिसाब से उन्हें 2 बजे तक नीचे आ जाना चाहिए था पर अभी डग और रॉब ऊपर ही होते हैं। हेलेन रॉब को कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करती है पर रॉब से संपर्क नहीं हो पाता। वहीं दूसरी तरफ रॉब डग को लेकर नीचे आने लगता है पर डग की तबीयत और ज्यादा खराब होने लगती है। वहीं माइक भी सबको लेकर नीचे आ रहा होता है और रास्ते में बैग मिलता है पर उसे कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। अब बैग अपनी टीम के साथ नीचे आने लगता है। वहीं डग को भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है क्योंकि उसकी ऑक्सीजन खत्म हो रही होती है। रॉब माइक से कॉन्टेक्ट करता है और कहता है कि वो जहाँ है वहीं रुके। रॉब माइक से कहता है कि वह किसी को ऑक्सीजन लेकर ऊपर भेजे पर माइक और एंगदोर्जी जो कि टीम के गाइड है वे बैग और टीम को लेकर नीचे निकल चुके होते हैं। तभी रॉब हेरल से कॉन्टेक्ट करता है और कहता है कि क्या वो एंगदोर्जी से संपर्क कर सकता है। हेरल एंगदोर्जी को आवाज देता है पर वो नहीं सुन पाता। अब रॉब मैनेजर हेलेन से कहता है कि उसे डग के लिए ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत है। हेलेन कहती है कि वह हिलेरी स्टेप के नीचे ऑक्सीजन पहुंचा रही है। तभी रॉब कहता है कि ऑक्सीजन ऊपर चोटी पर चाहिए क्योंकि वो डग को लेकर वहीं है। यह सुनकर हेलेन बहुत डर जाती है क्योंकि उसे लगा था कि वो हेलेरी स्टेप तक आ चुकी है और उसे नहीं पता होता कि रॉब डग को लेकर दोबारा शिखर तक गया था और अब इतनी जल्दी ऊपर पहुंचना पॉसिबल नहीं था। रॉब हेलेन से कहता है कि उसने एंगदोर्जी से 2 बोतल ऑक्सीजन दक्षिण शिखर पर रखने को कहा था। तभी हेरल बताता है कि दक्षिण शिखर पर कोई ऑक्सीजन नहीं है। इस पर मैनेजर हेरल को बताती है कि एंगदोर्जी ने 4 बोतल ऑक्सीजन दक्षिण शिखर पर रखी थी। हेरल बताता है उसे रॉब तक पहुंचने में आधे घंटे लगेंगे।
उसके पास भी ऑक्सीजन खत्म हो रही होती है और इसलिए रॉब उसे ऊपर आने को मना कर देता है। पहला कहता है कि उसे बचाने जरूर जाएगा। वहीं टीम की डॉक्टर रॉब से डक को दवाई देने के लिए कहती है क्योंकि बिना ऑक्सीजन के वो बेहोश हो रहा होता है। अब गाय रॉब से बात करता है और वह रॉब से कहता है कि वो अकेला नीचे आ जाए और हम यहाँ से कुछ लोगों को डक की मदद के लिए ऊपर भेजते हैं। पर रॉब मना कर देता है और कहता है कि वह डक को ऐसी हालत में अकेले छोड़कर नहीं आएगा। वहीं स्कॉट का भी ऑक्सीजन खत्म हो चुका है, वह नीचे गिर जाता है। वह दूसरे साथी से कहता है कि नीचे जाकर एला डॉली को ऑक्सीजन लेकर भेजे। वहीं डग रॉब से कहता है कि वह उसे छोड़कर चला जाए पर रॉब मना कर देता है। अब रॉब रस्सी के सहारे डग को नीचे भेजने लगता है। तूफान तेज हो चुका होता है, सभी बीच में ही बुरी तरह फंसे होते हैं। तभी रॉब डग को एक जगह बैठाकर ऑक्सीजन लेने नीचे जाने लगता है। वह डग से कहता है कि वो यहीं रहे और कहीं भी ना जाए, वह ऑक्सीजन लेकर ऊपर आएगा और उसे भी अपने साथ ले जाएगा। रॉब जाने लगता है, तभी डग जानबूझकर सेफ्टी बेल्ट खोल देता है और नीचे खाई में गिर जाता है और इस तरह डग की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ जो टीम नीचे आ रही होती है उसमें बैक भी होता है, वो शिखर तक नहीं पहुंच पाया था क्योंकि उसकी आंखों में प्रॉब्लम होने लगी थी, उसे दिखाई नहीं दे रहा होता है, इसलिए एक जगह उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और उसके टकराने से सभी लोग नीचे गिरने लगते हैं। वहीं हेरल्ड ऑक्सीजन लेकर रॉब के पास पहुंच जाता है। रॉब उसे बताता है कि डग मर चुका है। अब रॉब और हेरल्ड नीचे जाने लगते हैं। पूरी टीम की हालत बहुत खराब है, कोई भी चल नहीं पा रहा होता है। टोनी जॉर्ज से मदद मांगता है पर वो कहता है कि बर्फ से वह अंधा हो चुका है, इसलिए कुछ नहीं कर सकता। जॉर्ज कहता है कि रॉब और डग भी ऊपर फंसे हुए हैं, उन्हें पता नहीं होता कि डग मर चुका है और हेरल्ड रॉब के पास पहुंच चुका है, इसलिए टोनी उनकी मदद करने के लिए ऊपर जाने लगता है। पर रास्ते में उसे यासुको और दूसरे साथी भी मिलते हैं। वहीं एंडी को ऑक्सीजन की बहुत जरूरत होती है, टोनी उसे ऑक्सीजन लगाकर कैंप पर ले जाता है। वहीं दूसरी ओर रॉब और हेरल्ड भी फंसे हुए हैं, ऊपर तूफान बहुत तेज होता है इसलिए वो नीचे नहीं जा सकते और ऑक्सीजन का सिलेंडर भी ठंड से जमने के कारण नहीं खुलता है, उन्हें बिना ऑक्सीजन के ही सरवाइव करना पड़ेगा। वहीं रॉब की वाइफ हेलेन को फोन करती है और रॉब के बारे में पूछती है। हेलेन बताती है कि रॉब ऊपर शिखर पर ही है और 13 और लोग भी तूफान में फंसे हुए हैं। तभी वहां गाय आता है और वो कहता है कि वो रॉब को लेने ऊपर जाएगा। तभी वहां डेविड आता है और बताता है कि दक्षिण शिखर पर ऑक्सीजन रखी हुई है और वो लोग तूफान कम होते ही रॉब को बचाने जाएंगे। वहीं हेरल को हाइपोक्सी क्लाइमर की शिकायत होने लगती है, ऐसा होने पर क्लाइमर को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और उसे गर्मी लगने लगती है और ऐसा ही हेरल को होता है, वो अपनी कपड़े उतारने लगता है और नीचे गिर जाता है, मतलब उसकी मौत हो जाती है। वहीं टोनी एक एक करके सभी लोगों को कैंप के अंदर ले जाता है पर बैक और याज़को अभी बचे हुए हैं, वो लोग ठंड में पूरी तरह जम चुके हैं और उनके पास बिल्कुल भी ताकत नहीं है। अब हमें दिखाया जाता है कि दिन बदल चुका है और शनिवार 11 मई सुबह 5 बजे गाय रॉब को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है पर उसे कांटेक्ट नहीं हो पाता, सभी बहुत परेशान होते हैं। तभी रॉब उन्हें कांटेक्ट करता है और पूरी तरह बर्फ में जम चुका होता है। गाय कहता है कि एक टीम उसे लेने ऊपर आ रही है, रॉब पूरी तरह बर्फ से ढक चुका है और ठीक से बोल भी नहीं पा रहा होता है। रॉब बताता है कि वह दक्षिण शिखर के पास है और उसके बाद वह कुछ भी नहीं बोल पाता। हेलेन रॉब का संपर्क सैटेलाइट के जरिए उसकी पत्नी जेन से करवाती है ताकि वो उसे हिम्मत दे सके। जेन उसे बात करती है और नीचे आने के लिए बोलती है पर वो बताता है कि उसके हाथ पैर जम चुके हैं। तभी संपर्क कट जाता है और सभी बहुत निराश हो जाते हैं। वहीं रॉब हिम्मत करके नीचे आने की कोशिश करता है। अब हमें दिखाया जाता है कि बैक और यास्को भी रात भर बाहर बर्फ में रहने के कारण जम चुके हैं। माइक हेलेन को इन्फॉर्म करता है कि वो दोनों अभी भी बाहर ही हैं और कैंप तक नहीं आ पाए थे और उन्हें लगता है रात भर बाहर रहने के कारण यास्को और बैक की मौत हो चुकी होगी। रॉब नीचे आने की कोशिश करता है और नीचे से एंग दोरोजी भी साथियों के साथ रॉब को लेने ऊपर जाता है पर रास्ते में फिर तूफान बढ़ने लगता है और उन लोगों को नीचे वापस आना पड़ता है, मतलब रॉब अकेला है और उसे लेने कोई भी ऊपर नहीं जा रहा होता है, मतलब उसे एक रात फिर तूफान में अकेला ही रहना होगा। कैंप में सभी लोग बहुत दुखी हैं। हेलेन जेन को बताती है कि रॉब अभी भी ऊपर है और हम किसी को भी ऊपर नहीं पहुंचा पाएंगे। इस उनका जेन रोने लगती है। हेलेन जेन की बात रॉब से करवाती है और जेन उसे कहती है कि उसे वापस आना ही होगा और वो सब समझ जाते हैं कि रॉब अब जिंदा नहीं बचेगा। सुबह होती है और हमें दिखाया जाता है कि बैक अभी भी जिंदा है और बैक को अपनी वाइफ और बच्चों का इल्यूजन दिखाई देता है और उसके हाथ और चेहरा बर्फ में पूरी तरह गल चुके हैं। वहाँ यास्को भी होती है पर वो मर चुकी होती है। नीचे कैंप से टोनी ऊपर जाता है पर उसे वहाँ स्कॉट की बॉडी मिलती है और वो भी मर चुका होता है। तभी बैक कैंप पहुँचता है। माइक हेलेन बताता है कि बैक जिंदा है और वो लोग उसे लेकर बेस कैंप में आ रहे हैं। हेलेन बैक की वाइफ पीच को बताती है कि बैक जिंदा है पर उसकी हालत बहुत खराब है और उसे फौरन ट्रीटमेंट की जरूरत है। इस पर पीच कहती है कि वो हेलीकॉप्टर अरेंजमेंट कर देगी। सभी बैक को नीचे ले जाने लगते हैं। वहीं बैक की वाइफ
अमेरिकन एम्बेसी को कॉन्टेक्ट करती है और उसे काठमांडू तक हेलीकॉप्टर का अरेंजमेंट करवा लेती है। ऊपर हवा का दबाव बहुत कम होता है, इसलिए हेलीकॉप्टर को ऊपर तक नहीं ले जाया जा सकता था। सभी कैंप में बैग का इलाज करते हैं। टीम के लोग बैग को बताते हैं कि रॉब अभी भी ऊपर है और डग अब नहीं रहा। यह सुनकर बैग को बहुत दुख होता है। तभी कुछ देर बाद हेलीकॉप्टर बेस कैंप के ऊपर कैंप 2 तक आ जाता है और सभी लोग हेलीकॉप्टर को उतरने के लिए जगह बनाने लगते हैं। पर ऊपर जाते ही हवा का दबाव कम होने के कारण हेलीकॉप्टर में प्रॉब्लम होने लगती है और पायलट हेलीकॉप्टर को वापस बेस कैंप तक ले आता है। अब हेलीकॉप्टर की सीट और दरवाजे को निकाल दिया जाता है ताकि उसका वजन कुछ कम हो सके और वापस कैंप तक ले जाया जाता है। वहां सभी बैग को हेलीकॉप्टर में बैठा देते हैं और हेलीकॉप्टर बैग को लेकर चला जाता है। माइक और बाकी सभी बेस कैंप तक आ जाते हैं। सभी दुखी होते हैं। अब दिखाया जाता है कि बैग अपने घर पहुंच चुका है। उसका नाक और दोनों हाथ बर्फ में गल चुके हैं। हेलेन भी अपने परिवार के पास आ जाती है। रॉब और बाकी लोग जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी उनकी बॉडी पहाड़ों पर ही कहीं खो जाती है, जिसमें स्कॉट फिशर, एंडी हेराल्ड हैरिस, डग हैंसन और यासुगो नाम्बा थे। जुलाई 1996 में रॉब की वाइफ जेन को बेटी होती है जिसका नाम वो सैरा रखती है, जैसा कि रॉब चाहता था। और यहीं ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। पर्सनली मुझे ये मूवी देखकर बहुत दुख हुआ, आपको भी हुआ होगा। ये सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि एक सच्ची घटना थी जिसे फिल्म के जरिए दिखाया गया है। जिन्होंने ये सब देखा और सहा उनके दुख का अंदाजा लगाना भी नामुमकिन है। मिलते हैं अगली फिल्म के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।